नमस्कार। मोदी जी के सरकार में पत्रकारों का विचार गजब कमाल का बदला है। 2010 तक जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो पत्रकार अयोध्या को लेकर अपनी बातें अपने अंदाज में रखता था, उस पत्रकार के विचार 24 आते आते गजब कमाल के बदल गए हैं। आप ये कह लीजिए कि मोदी जी की गुलामी की सारी हदें देश के कुछ पत्रकारों ने पार कर दी है। आप ये कह लीजिए कि वो चाटुकार कहे जा रहे हैं। आप ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार आते आते उनके विचार में गजब का बदलाव हुआ है। शुरुआत करेंगे इससे पहले आपको ये बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीते दिनों बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर पर टिप्पणी की थी। भगवान राम को लेकर तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बताइए कि भगवान राम जी को आज के दिन में मोदी जी के सहारे की जरूरत है क्या। तेजस्वी यादव ने उसी मंच से यह कहा था कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या फिर मंदिर जाओगे। तेजस्वी यादव ने उसी मंच से यह कहा था कि पढ़ाई करनी होगी, विद्या चाहिए तो विद्यालय जाओगे, स्कूल जाओगे या फिर मंदिर जाओगे। अब तेजस्वी यादव के उसी बयान पर पूरे दिन नेशनल चैनलों पर डिबेट शुरू हुए। टेलीविजन न्यूज चैनलों के कुछ महान पत्रकारों ने अपनी महानता वाली बयान उसी चैनल पर डिबेट के दौरान दे दिए। उनमें से एक नाम अमीश देवगन का था, जिनके बारे में हमने आपको इससे पहले बताया है। अमीश देवगन ने आर पार शो के दौरान अपने टेलीविजन डिबेट पर ये कह दिया था कि राम मंदिर जाने वाले को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनसे भी महान निकले उसी चैनल पर डिबेट में मौजूद सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि मंदिर से बड़ा कुछ भी नहीं, आस्था से बड़ा अस्पताल नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि बीमार पड़ने पर जाना अस्पताल ही पड़ता है। लेकिन अमीश देवगन साहब के बाद अब एक और महान पत्रकार के विचार की चर्चा करने जा रहे हैं। महोदय का नाम है सुधीर चौधरी। नाम आपने सुना ही नहीं, बल्कि लाखों बार हजारों बार टेलीविजन पर कई अलग अलग चैनलों पर देखा होगा। फिलहाल सुधीर चौधरी आज तक में हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट शो के होस्ट सुधीर चौधरी के विचार मोदी जी के सरकार में गजब कमाल का बदला है। इससे पहले के चैनलों में भी वो जहां थे मोदी जी की खूब तारीफ किया करते थे। राम जी आस्था के केंद्र हैं, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, जहां पर सनातनी जाएंगे, राम लला का दर्शन करेंगे। लेकिन विचार इनके पहले गजब कमाल के थे, अब इनके विचार बदल गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई सुधीर चौधरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का जिक्र हमने क्यों किया। तेजस्वी यादव ने बिहार में जो बयान दिया, जिस पर देश के महान पत्रकारों ने अपने नेशनल चैनलों पर डिबेट कराए, जिन लोगों ने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने राम नाम पर सनातन का अपमान किया है, अब उनको जवाब देने की बारी है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था भाई, अस्पताल जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। तब सुधीर चौधरी का बयान भी आपको समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि सुधीर चौधरी ने 2010 में क्या कहा था। तो 2010 में सरकार किसकी थी, पहले यह समझ लीजिए। 2010 में देश में सरकार थी कांग्रेस की, और तब के देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की सरकार में सुधीर चौधरी के गजब वाले बयान आए थे। बयान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दिया था। सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए राम मंदिर जहां पर बन रहे हैं अयोध्या के उस जगह को लेकर अपनी भावना प्रकट की थी। और सुधीर चौधरी ने भी ये बताया था कि चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, वो अयोध्या में क्या चाहते हैं। तब राम मंदिर का मुद्दा खूब उछल रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, मोदी जी की सरकार भी नहीं बनी थी। तब गजब कमाल के विचार रखने वाले सुधीर चौधरी ने अपने जो ट्वीट किए थे, वो ट्वीट देखिए। आपके सामने ये सुधीर चौधरी का ट्वीट है। सुधीर चौधरी वो पत्रकार जो
ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, शो करते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान सुधीर चौधरी ने क्या पोस्ट किया था, आप पढ़ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपुल इन अयोध्या वेंट एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट रोड एंड डेवलपमेंट रेदर देन मंदिर और मस्जिद, दे वांट टू लिव विथ बोथ। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि अयोध्या के अधिकतम लोग वहां पर शिक्षा चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सड़क चाहते हैं और विकास चाहते हैं मंदिर और मस्जिद की तुलना में। और उन्होंने आगे ये भी लिखा था, दे वेंट टू लाइव विथ बोथ, उन्होंने ये भी लिखा था कि लोग साथ रहना चाहते हैं। तो जरा सोचिए 2010 में इनका विचार कैसा था, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब सुधीर चौधरी क्या चाहते थे। सुधीर चौधरी पत्रकार है भाई, अयोध्या गए होंगे, लोगों के विचार लिए होंगे, लेकिन इनके विचार क्या थे वो आपने देखा। इनके विचार थे कि अयोध्या में शिक्षा के क्षेत्र में काम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम होनी चाहिए, रोड और विकास के क्षेत्र में काम होनी चाहिए। अब सरकारों ने कितना काम किया उस पर विचार करेंगे, विचार सुधीर चौधरी के पोस्ट में करेंगे। उन्होंने ये लिखा था कि मंदिर और मस्जिद की तुलना में लोग ये चीजें चाहते हैं, यानी वहां के लोग मंदिर या मस्जिद नहीं चाहते थे। सुधीर चौधरी ने अपने पोस्ट में ये भी बातें लिखी थी कि वहां पर लोग साथ रहना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान। खैर, सरकार तब किसकी थी, सरकार थी मनमोहन सिंह की। अब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई 14 में, अब चल रहा है साल 2024। सुधीर चौधरी का विचार गजब का बदला है भाई। सुधीर चौधरी देश के महान पत्रकारों में एक हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब समझते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है काला और उजला। देखिए किस तरीके से इनका जो विचार है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, उस समय के विचार इनके कैसे थे और अब का विचार कैसा हो गया, जरा उस पर भी नजर डालिए। ये आज का ट्वीट है, सुधीर चौधरी का ही ट्वीट है। और सुधीर चौधरी ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, आज सुधीर चौधरी आज ट्वीट करते लिखते हैं, उन लोगों के लिए जो 2010 से मेरा पुराना एक ट्वीट खोज रहे हैं, आइए सीधे रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। मैंने कहा कि अयोध्या के लोग मंदिर और मस्जिद के साथ साथ विकास भी चाहते हैं और यहां उन्हें क्या मिल रहा है, 85,000 करोड़ रुपए की विकास योजना पर काम चल रहा है। अयोध्या में बिल्कुल नया एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है, रोड इंफ्रा को अपग्रेड किया गया है, 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले से ही शुरू की जा चुकी है, शहर में 37 राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां काम कर रही है, पर्यटन में 10 गुना वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है जिससे नौकरियां पैदा होगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, मस्जिद के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है और राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या पसंद नहीं करेंगे इसे, वास्तव में यह विकास का मंदिर है। जरा सोचिए, सुधीर चौधरी ने बड़े ही तथ्यपूर्ण तरीके से बातें रखी है। सुधीर चौधरी ने कहा है कि अयोध्या में, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि एजुकेशन की जरूरत है, उन्होंने इस बात की कहीं जिक्र नहीं की है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर मंदिर हो जाने से विकास होगा। ये वो सुधीर चौधरी हैं जो पहले कहा करते थे कि अयोध्या के लोग मंदिर और मस्जिद नहीं बल्कि वहां पर सड़क का विकास चाहते हैं, वहां पर शैक्षणिक स्तर पर विकास चाहते हैं, वहां पर बेरोजगारी दूर करने को लेकर रोजगार के क्षेत्र में विकास चाहते हैं। तो भाई साहब, वहां पर मंदिर का निर्माण अब हो गया है और सुधीर चौधरी के विचार बदल चुके हैं। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं बल्कि विकास का मंदिर है। तो जरा सोचिए, विचार कितना बदला है मोदी जी के सरकार में सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी के जैसे कई ऐसे महान पत्रकार हैं जिनके विचार कांग्रेस के शासनकाल में, मनमोहन सिंह की सरकार में अलग थे और मोदी जी के सरकार में एकदम गुलाम के जैसी हो गई है। जाहिर सी बात है, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की मांग कर रहे थे और उनकी ये तमन्ना पूरी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जब फैसला सुनाया तो मस्जिद के लिए जगह अलग जगह पर आवंटित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं
हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं, ये तो सच है, लेकिन अब इनके विचार इस कदर बदले जो अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या में ये विकास का मंदिर है, जो अयोध्या में विकास का काम कर रहा है। ऐसे ही कहते हैं ना कि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में पत्रकारों का बदल रहा विचार है, और अमीश देवगन के बाद आपने सुधीर चौधरी के बदलते हुए विचार को देखा है। 10 सालों के अंदर नहीं बल्कि 14 सालों के अंदर मोदी जी ने इनमें ऐसा बदलाव लाया है कि सुधीर चौधरी एकदम सटीक वही वाला भाषा बता रहे हैं और आपको भी समझा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जिस बात की चर्चा आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी के लोगों के साथ साथ नेशनल चैनलों के जो पत्रकार हैं वो स्पेशल शो करवा रहे हैं, तेजस्वी यादव को राम विरोधी बता रहे हैं, 10 सालों पहले सुधीर चौधरी ने पोस्ट किया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मंदिर और मस्जिद की तुलना में वहां के लोग शिक्षा, रोजगार, सड़क और विकास चाहते हैं। यानी मतलब साफ है, विचार बदल गए हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। धन्यवाद।